हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजकुमार और आप देख रहे हैं लर्न विथ मी। दोस्तों, मैं सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन के कन्वर्जन के रूल्स पर चर्चा कर रहे हैं। इस संदर्भ में मैं लास्ट वीडियोस में 13 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, 13 रूल्स के बारे में बता चुके हैं और आज हम बात करेंगे रूल नंबर 14th पर। दोस्तों, कुछ ऐसा नाउंस होते हैं जिसका ओरिजिन लैटिन है, अर्थात लैटिन वर्ड्स हैं, जिसका अंत यूएस से होता है। अब इसका प्लूरल फॉर्मेशन कैसे किया जाए? इट इज़ डिफिकल्ट टू से टू मेक द प्लूरल्स ऑफ दीज लैटिन नाउंस, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। यदि आप एडवांस्ड लर्नर्स हैं, यदि आप लर्नर्स हैं, तो आप इसे देखें, आप प्रत्येक पॉइंट पर समझने का प्रयास करें ताकि आपका इंग्लिश मजबूत हो सके। साथियों, नाउन एक ऐसा चैप्टर है जिससे प्रत्येक सेक्टर्स में, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव सेक्शंस का, वह इस वीडियो को गौर से देखें और इससे लाभान्वित हों। दोस्तों, मैं बात कर रहा था कुछ ऐसे लैटिन नाउंस होते हैं जिसका अंत यूएस से होता है और इसका प्लूरल फॉर्मेशन बनाना बहुत ही कन्फ्यूजेबल है, लेकिन कुछ ऐसा स्ट्रिक्ट या कह सकते हैं कुछ ऐसा बेसिक रूल है जिसके माध्यम से इसका प्लूरल फॉर्मेशन बनाया जाता है। जैसे अब देखिए, वायरस, बोनस, कैंपस और सर्कस, ये 4 वर्ड्स हैं जिसका प्लूरल फॉर्मेशन उसके अंत में ईएस जोड़ करके बनाया जाता है। ऐसे भी आपको रूल में बताए थे कि यदि सिंगुलर नाउन का अंत एस से होता है तो उसके अंत में यस जोड़ा जाता है। तो इस रूल के अनुसार वायरस का हो जाएगा वायरसेस, बोनस का बोनसेस, कैंपस का कैंपसेस, सर्कस का सर्कसेस। अब देखिए, ये जो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 नाउंस, इसका प्लूरल फॉर्मेशन कुछ अजीब ही तरीके से होता है। जैसे फंगाय, इसका प्लूरल फॉर्मेशन फंगाय होता है। अब ये डिसाइड करिए कि फंगाय कैसे आया, किस तरह से हम बनाएं। तो देखिए दोस्त, यूएस बदल करके आई हो गया है, फंगस फंगाय, अर्थात यूएस को बदल करके हम आई में कन्वर्ट कर देंगे तो प्लूरल फॉर्मेशन मेरा बन जाएगा। जैसे देखिए आप, अब इस सॉरी यहां पर यूएस बदल करके आई हो जाएगा, उसी तरह यहां बनाइए, यूएस हटा करके आई कर दीजिए। अब यहां चलिए, अब यूएस हटा करके आई कर दीजिए, फिर यहां आइए, अब यूएस हटा करके आई कर दीजिए। अब देखिए इसको पढ़ा कैसे जाता है, तो जो ये आई है वो आई अपना जो बेसिक इसका प्रोनाउंसिएशन है उसी के रूल पर ये चलेगा। इसको पढ़ेंगे हम लोग फंगाय, फंगाय यानी आय, इसको पढ़ते हैं हम लोग आय, ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है आई का, आय का, फंगाय, अलुमनाय, बेशिलाय, वेडियाय, निकलियाय, तो ये सभी प्रोनाउंसिएशन है इसका। अब देखिए 1 2 3 4 ऐसे यूएस एंडिंग वर्ड्स है जिसका संबंध लैटिन ओरिजिन से है, का प्लूरल फॉर्मेशन हम लोग दोनों तरीके से करते हैं, यूएस ऐड करके और यूएस को आई में बदल कर। जैसे इसका प्लूरल फॉर्मेशन अगर देते हैं कैक्टस का, तो कैक्टसेस पहले कर देते हैं, फोकसेज, सिलेबसेज, जीनियसेज,
इसका और प्लूरल फॉर्मेशन हो सकता है यूएस को हटा करके आई में बदल करके, जैसे केक्टाई, फोशाय, जिनियाय। तो यहां पर देखिए दोस्तों, केक्टाई, फोशाय, स्लेबाय, जेनियाय। तो ये देखिए प्लूरल फॉर्मेशन इसका कैसे हम बनाएं। तो दोस्तों आप अभी आप देखें कि जो लैटिन वर्ड्स जो है जिसका एंडिंग यूएस से हो रहा है उसका प्लूरल फॉर्मेशन कैसे बनता है। तो यहाँ पर देखिए कुछ खास ही है जो जिसका प्लूरल फॉर्मेशन ईएस से हो रहा है, लेकिन ये जनरल है, जेनेरिक रूल है और एवरीडे लैंग्वेज में इसका ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये सभी जो है टेक्निकल टर्म में यूज़ किया जाता है। बायोलॉजी में, जैसे फिजिक्स लैंग्वेजेस में इत्यादि में इसका प्रयोग किया जाता है, और जो ईएस वाला है प्लूरल फॉर्मेशन वो एवरीडे लैंग्वेज में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ये नेचुरल है दोस्तों। तो ये रहा आपका लैटिन यूएस एंडिंग प्लूरल्स ऑफ नाउंस। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे रूल नंबर 15th पर। तब तक के लिए धन्यवाद। They would not have killed you to get your rings and precious stones that I could buy.